हेलो एवरीवन, और इंडिया टूर के 5000 समथिंग किलोमीटर्स के बाद हम आ गए हैं गोवा। वो वहाँ पे हमारी कार पार्क की है। कल रात को आ गए थे हम, और हम कल रात को कार में ही सोए। यहाँ पे पूछ लो नाश्ता अगर कुछ मिल रहा है तो, कार्ड पेटीएम वगैरह भी पूछ लेना, एक पानी की बोतल। अभी काफी कम लोग आ रहे हैं यहाँ पे गोवा में। पूछो इडली डोसा बड़ा कितने कितने का है? एक इडली, एक मसाला डोसा। ये नहीं पिया जाएगा, यही नॉर्मल वाला दे दो। एक ना बर्फ हो रहा है तुम्हारे लिए, तो नॉर्मल है। हमारा नाश्ता कैसा लग रहा है इडली आप लोगों को? अच्छा है। आगे तो इडली खाना है, बहुत अच्छा फूड होता है। वहीं चेक इन हो जाएगा जाते ही, है ना? कितने बजे खुलता है? जब भी जाओ तभी। तो अभी चलते उससे दो दिन की बात करें। हाँ बहुत अच्छा था इडली सांभर। अब आ गया हमारा डोसा। डोसा आ गया। तुमने रात में नहीं सोया ना? क्या हुआ? रात में नहीं सोया? स्टडी कर रहा हूँ। उन्होंने रात भर मिर्जापुर देखा, कैसा लगा मिर्जापुर? अभी ये वाले सीजन में थोड़ा सा वो बाकी मेन सीन से ज़्यादा कॉमेडी डाल, पहले वाले में सीरियस था। मतलब जो चीज़ अच्छी बन जाती है वो बार बार अच्छी नहीं बन सकती। थोड़ा सा कॉमेडी ज़्यादा है इस वाले से। कहाँ से लाए उतना सीरियस नहीं है? नहीं, लेकिन कंटेंट दे रहा है, सारे एपिसोड में कंटेंट बराबर, बोर नहीं है। पूरा 7 एपिसोड बीत गया 10 में से। गुड्डू भैया बैसाखी पे ही है तो उसको वेब सीरीज है, मैजिकल थोड़ी कर सकते हैं गुड्डू भैया। ठीक है, उसको उसके पैरों पे देखना पैदल है, लेकिन 7 सीरीज में वो पैरों पे आ नहीं पाए। कितने दिन से इंतजार कर रहे हो गुड्डू भैया को अपने पैरों पे देखने के लिए? 2 साल से पूरे। कल बात 2 साल हो गए ना उसको बैसाखी पाए हुए।
फर्स्ट सीजन में आया था नहीं, तो वो मतलब अभी उस सीजन के जस्ट बाद का है ना ये, हम लोग वेट किए। अच्छा।